बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपको प्याज छीलने का और इसकी स्मेल का को ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। और इतनी ये देखिए 2 किलो प्याज है, हम इसको बहुत जल्दी छील लेंगे। और इसका बहुत ही आसान टिप है, ये देखें, इसको प्याज लिया, इसको ओवन में रखा, ज़्यादा नहीं इसको रखना है, बस सिर्फ और 1 से 2 मिनट तक हम इसको ओवन में रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम प्याज को बाहर निकालेंगे। देखिए प्याज को बाहर निकाला और अब हम इसको काटते हैं। देखें 2 मिनट में ये कट जाएगा, ये बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। और इसको 1-2 मिनट हम काट के इसकी बिल्कुल अब स्मेल ख़त्म हो गई और बहुत ईजी हो गया इसको काटना, ठीक है। ये ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे। ये देखें थोड़ी देर, ये देखें इसकी प्याज की स्मेल आलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसको बहुत ही आराम से हम इतने, ये देखें मिनटों में ये हमारा 2 किलो प्याज हार्डली हमारे 3 से 4 मिनट में कट जाएगा। दोस्तों वो तो था प्याज को ओवन के ज़रिए हम कैसे इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और इसको जल्दी काट सकते हैं। और हमारा दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो उस सूरत में हम उबलता हुआ पानी ले लेंगे, उसमें कुछ सेकेंड के लिए प्याज को डालेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये मैंने उबलते पानी में प्याज को डाल दिए और सिर्फ कुछ सेकंड इसको पड़ा रहने देंगे और फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये कुछ सेकंड में उसको प्याज को पड़ा रहने दें, फिर हम प्याज को निकालेंगे। ये देखें इस तरह इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और प्याज जल्दी से छीला जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितनी जल्दी छीला जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, इससे प्याज हम मिनटों में बहुत सारा प्याज छील सकते हैं। देखें बिल्कुल ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर, इस 1 मिनट से भी कम टाइम में ही हमारा प्याज छिल जाएगा और हम इसको फिर सेव कर सकते हैं। ये 2 किलो प्याज हमारा कटा है तकरीबन 20 से 22 मिनट के दरमियान। दोस्तों जिस पानी में हमने प्याज को डिप किया था, इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। ये पौधों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है। अब हम इस पानी को ठंडा करेंगे और अपनी क्यारियों में डाल देंगे और बाय गार्डन में डाल देंगे।